हेलो गाइस, आज मैं फिर से आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सिंपल ब्यूटीफुल डीआईवाई डेकोर आइटम। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी आज की ये वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज के ये इंटरेस्टिंग वीडियो। वीडियो एंड तक जरूर देखना फ्रेंड, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल डीआईवाई है। तो यहाँ पे मैं एक वेस्ट ग्लास बोतल ली हूँ। तो यहाँ मैं ये ना कबाड़ी वाला से परचेज की थी, 2 रुपये शायद लिया था। तो वहाँ से लेके मैं इसको, फिर मुझे ये बोतल काफ़ी अच्छा लगा तो मैं सोची इसके ऊपर कुछ डीआईवाई बनाया जाए जो कि सिंपल भी होगा और लो बजट में भी होगा। तो यहाँ पे मैं वॉल पुट्टी का पेस्ट ली हूँ। तो इसका जो कोन, मतलब कैसे इसका जो टेक्सचर बनाते हैं ना, काफ़ी सारे वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है, फिर भी मैं आपके साथ फिर से शेयर कर रही हूँ। वॉल पुट्टी ग्लू प्लस वाटर सेम क्वान्टिटी में लेके इसको मैं एक पेस्ट बनाई हूँ, ना ज़्यादा थिक है ना ज़्यादा पतला है। तो जैसे फ्लो हो सके ऐसे टाइप का ही आपको 3D कोन बनाना है। और यहाँ पे एक वेस्ट फर्निश से मैं इसको मेहंदी टाइप का कोन बना दी हूँ। फिर इसके बाद मैं इसके ऊपर बस एक, मतलब होता ना, फ्री हैंड आर्ट बना रही हूँ, जैसे मेरी मन में आती है वैसे वाला ही बना रही हूँ। बिल्कुल सिंपल ही रखी हूँ लेकिन इसका आउटपुट काफ़ी अच्छा निकला। मतलब मैं पहली बार ये जो DIY ट्राई कर रही थी लेकिन ये काफ़ी सुंदर भी लग रहा था। बिल्कुल आपको ज़्यादा मतलब कलर वगैरह करने की भी झंझट नहीं है ऐसे। मतलब अगर आपके पास कलरफुल बोतल है ना, बस सिंपल व्हाइट पुट्टी, सॉरी वॉल पुट्टी से ही आप ऐसे 3D कोन से आप डेकोर बना सकते हो। आप चाहे तो इसमें, इसके अंदर ना थोड़ा सा व्हाइट कलर भी मतलब डाल सकते हो कि और थोड़ा सा व्हाइट कलर आए। लेकिन मैं ये पहली बार ट्राई कर रही थी, इतना आइडिया नहीं था, तो बस सिंपल वॉल पुट्टी से ही मैं ये कर रही हूँ। लेकिन ये सूखने बाद काफ़ी व्हाइट लग रहा था और देखने में काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। जैसे आप वीडियो में देख ही सकते हो, मैं सिंपल सा मतलब पैटर्न मतलब बना रही हूँ, ज़्यादा मैं मुश्किल वाला नहीं बना रही हूँ। जैसे हम ड्राइंग वगैरह बनाते हैं वही आर्ट, सॉरी लीव्स वगैरह, नहीं तो जैसे पेटल वगैरह ऐसे ही टाइप का ही मैं बना रही हूँ। ज़्यादा मतलब तामझाम नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये पहली बार ट्राई कर रही हूँ। तो कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सिंपल ही रखूँ। ये बोतल देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसके ऊपर मुझे कुछ आर्ट करने का भी मन नहीं कर रहा था। फिर दिमाग में आया कि थोड़ा सा कुछ इसके और कुछ 3D लुक दिया जाए ताकि देखने में अच्छा लगे। जैसे मैं वॉल पुट्टी कोन के साथ बना रही हूँ, आप चाहे तो सिंपल व्हाइट कलर के साथ आप पेंट भी कर सकते हो, वो भी काफ़ी देखने में अच्छा लगेगा। ऐसे ही सिंपल सिंपल पैटर्न बना के हम पूरे बोतल को कवर कर देंगे ताकि ये बाद में देखने में अच्छा लगे। ये और भी बेटर हो सकता था लेकिन मेरी मन में जैसे आ रहा था वैसे ही मैं बनाती जा रही थी। तो ज़्यादा जितना मतलब सोची थी उतना तो अच्छा नहीं बना, फिर भी काफ़ी जितना भी बना काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये जो फ्रंट साइड वो हो गया उसका, फिर दूसरे साइड भी कुछ डिज़ाइन बनाएंगे ताकि कभी इधर उधर हम बोतल को रख के डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे ही 2 बोतल था तो मैं पहले एक बोतल पे ट्राई की थी, देखने में वो काफ़ी अच्छा लगा तो इसलिए मैं फिर आपके साथ शेयर की कि दूसरे बोतल पे ये वही चीज़ बना के इसके। लेकिन बनाने में और जैसे ये जो आर्ट बनाने में ना काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत मतलब खुशी मिल रही थी इसको बनाने में। काफ़ी ईजी भी था और बहुत अच्छे से फ्लो भी हो रहा था, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे वाला, आपको ज़्यादा कलरिंग वगैरह भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी वॉल पुट्टी ऐसे बच जाएगा तो आप ग्लास बोतल के ऊपर आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। आपके पास जैसे वाला ग्लास बोतल है, जैसे होता है ना टमाटर सॉस का बोतल वगैरह भी आ जाती है, तो आप उसके ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। तो ऐसे ही मैं सिंपल सिंपल पैटर्न बना के पूरी बोतल को मैं भर दी हूँ। बाद में आप देखना इसका फाइनल लुक, काफ़ी अच्छा लग रहा था इसका फाइनल लुक। मैं तो बहुत ही खुश हो गई इसको देख के। आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखिए सर, तो फ्रेंड्स ये मेरा पहला बोतल है, मैं इसके ऊपर पहले ट्राई कर रही थी, तो इसके बाद ये मैं दूसरे बोतल में ट्राई की। आपको कौन सा वाला ये पैटर्न अच्छा लगा और ड्राइंग अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके अंदर आप उससे राइस लाइट वगैरह लगा दोगे ना तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं आपको बाद में दिखाती हूँ इसके अंदर लाइट लगा के कैसा लग रहा है। ज़्यादा लाइट लगाने से ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसका जो बैक साइड ड्राइंग है ये है इसका पैटर्न, और इसके मैं बैक साइड नहीं की हूँ, बस फ्रंट साइड में ही एक ही ड्राइंग बनाई हूँ, थोड़ा सिंपल रखी हूँ और थोड़ा सा भर के रखी हूँ।
राइट लगाने के बाद ये ऐसा कुछ लुक आती है। इसका आप कहीं पर भी इसको डेकोरेट कर सकते हो, बेडरूम में या हॉल में या लिविंग रूम में कहीं पर भी रख सकते हो। उसके बाद आते हैं दूसरे DIY पे। तो यहाँ पे मैं एक बॉडी वॉश की बोतल था तो इसको यहाँ पर यूज कर रही हूँ। ये प्लास्टिक का बोतल है तो इसका मैं पहले से ऊपर जो ढक्कन वाला पार्ट है उसको मैं कट कर दी हूँ। उसके बाद मैं इसके ऊपर कलरिंग करूँगी। तो ये मैं एक्चुअली फ्रीज मैग्नेट प्लांटर बना रही हूँ। तो आप इसको फ्लावर वास की तरह भी यूज कर सकते हो या प्लांटर की तरह भी यूज कर सकते हो। मैं पहले इसके थोड़ा सा लाइट शेड का पर्पल कलर कर रही हूँ। आप कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी रख सकते हो, आपको जो मनपसंद कलर है आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक्रिलिक कलर का ही कर रही हूँ, बस थोड़ा सा रेड ब्लू और वाइट मिला के ये थोड़ा सा लाइट पर्पल शेड ली हूँ। अच्छे से इसको कवर करने के बाद इसको थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद फिर मैं यहाँ व्हाइट कलर से अप्लाई कर रही हूँ, मतलब थोड़ा सा पैटर्न कर रही हूँ फ्लावर वाला। तो बिल्कुल ये भी सिंपल ही रखी हूँ, बहुत झटपट बनने वाला ये प्लांटर है, आप ज़रूर इसमें ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल मतलब बोलते हैं कलर अगर आपके पास है बिल्कुल जीरो कॉस्ट है ये DIY, और घर को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। आपको जैसा पैटर्न आती है, जैसा ड्राइंग आती है वैसे आप इसके अंदर कर सकते हो। आपको नहीं तो आपको कुछ आइडिया मिले तो मतलब आप थोड़ा सा ऑनलाइन भी देख सकते हो, कुछ और पेंटिंग का आइडिया मिल जाएगा। जैसे पहले से ही बोली मैं बिल्कुल सिंपल ही रख रही हूँ इसको, ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे और इसका आउटपुट अच्छे से निकले। तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें थोड़ा सा मतलब मुश्किल वाला कुछ भी नहीं की हूँ, बस फ्लावर वगैरह ऐसे ही पैटर्न वगैरह बना दी हूँ। इसके बाद मैं येलो कलर में भी थोड़ा सा फ्लावर पैटर्न का बनाई हूँ। वीडियो अच्छे से आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। घर को हम बिना मतलब पैसा खर्च के बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं और प्लास्टिक का यूज भी कर सकते हैं। देखिए सकते हो फ्रेंड, मैं इसमें मैग्नेट लगा दूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास एक ही मैग्नेट था तो इसलिए मैं आपको एक ही मैग्नेट लगा के दिखा रही हूँ। ये फ्रिज में एक मैग्नेट से अच्छे स्टिक नहीं होगा, आपको 2 से 3 मैग्नेट लगाना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से स्टिक हो पाएगा। तो ये एक ही मैग्नेट लगाई थी लेकिन ये स्टिक नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं आपको पकड़ के दिखा रही हूँ कि इसको कैसे स्टिक करके आपको फ्रिज में लगाना है। और इसके अंदर आप मनी प्लांट वगैरह लगा सकते हो, नहीं तो सिंपल सा जैसे आर्टिफिशियल फ्लावर भी रख सकते हो, नहीं तो आप रियल फ्लावर वगैरह भी रख सकते हो, नहीं तो आप कहीं पर भी ऐसे डेकोरेट कर सकते हो प्लांट्स रख के, पानी भर के इस मनी प्लांट वगैरह भी लगा सकते हो, नहीं तो आप फ्लावर वास की तरह जैसे पहले से बोली फ्लावर वास की तरह भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रियल फ्लावर रख के दिखा रही हूँ, आपके पास आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह होगा तो वो भी रख के आप सजा सकते हो। बिल्कुल सिंपल है, जीरो कॉस्ट है और बहुत ही सुंदर वाला DIY है, आप घर पर ज़रूर ये ट्राई कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।